हेलो दोस्तों, रावत फैमिली फूड में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं आलू प्याज की सब्जी। आप देखें, 4 से 5 हमने आलू काटे हैं चकोर में और 5 से 6 प्याज हमने प्याज डाले हैं काट के, बारीक बारीक से काटने हैं। और 2 टमाटर काटे हैं बारीक से काटने हैं, हरी मिर्च काट के रखी हुई है हमने, लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है, ये तेज पत्ता है, इसमें इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग हमने अलग से रख दिया पहले ही। अब इसकी प्रोसेसिंग चालू करेंगे, आपको अभी बताएंगे। पहले हम डालेंगे जीरा और धनिया। जीरा धनिया डाल दिया हमने इसमें, ये जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे। हमारा जीरा धनिया ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल दिया हमने इसमें, अब इसको हम हिलाएंगे 2-3 मिनट तक। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे 2, और ये काली मिर्च, इलायची, ये सब इसमें डाल देंगे हम, और 2 लौंग डालेंगे। अरे यार, दो से तीन लौंग डालेंगे। इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। हम इसमें नमक डालेंगे, दो चम्मच नमक डालेंगे, 3 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे इसमें हम, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको हिलाएंगे, इसको घुमाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता। ऐसे हिलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको ढक के रखेंगे ठंडी आंच में। अब प्याज टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये देख लो, उसके बाद हम डालते हैं आलू। अब इसको हम घुमाएंगे, उसके बाद 2-3 मिनट तक हम इसको ढकेंगे। आलू प्याज के लिए हमारा पानी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है, और इसमें हम अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सब्जी बन चुकी है, आप इसका कलर देख सकते हो, कितना अच्छा कलर आ रखा है इसका। मीट से भी बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। आलू प्याज की सब्जी ऐसे बनाएं और लोगों को भी खिलाएं और अपनों को भी खिलाएं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।